भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इनमें ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेजों ने मरते दम तक असहनीय यातनाएं दी थीं। क्रांतिकारी सूर्य सेन को द हीरो ऑफ चिटगांव के नाम से भी जाना जाता है। चिटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों के छापे के नायक थे सूर्य सेन। सूर्य सेन या सूरजय सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को अविभाजित बंगाल के चटगांव में हुआ था। विभाजन के बाद ये स्थान बांग्लादेश में चला गया है। बचपन में ही माता पिता ने साथ छोड़ दिया था इनका। सूर्य सेन की शिक्षा चटगांव में ही हुई थी। 22 वर्ष में इंटरमीडिएट के दौरान ये क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। ग्रेजुएशन के बाद ये युगांतर से जुड़े। सूर्य सेन गणित के शिक्षक थे, लोग इन्हें मास्टर दा भी कहते थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सूर्य सेन सक्रिय रूप से शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार के विरोध में रैलियों का नेतृत्व करते हुए इन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये 1926 से 1928 तक 2 बरस जेल में रहे। इसके बाद अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए इन्होंने चटगांव में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से युवाओं का एक बड़ा संगठन बनाया। 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं के नेतृत्व में 2 दल बनाए गए। इन्होंने चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। इन्हें बंदूकें तो मिली किंतु गोलियां नहीं मिल सकी। इस घटना को चटगांव आर्मरी रेड का नाम दिया गया। इसके बाद ये दल पुलिस शस्त्रागार के सामने इकट्ठा हुआ, जहां मास्टर सूर्य सेन ने अपने इस सेना से विधिवत सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। क्रांतिकारियों ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए और रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। चटगांव पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। इस घटना ने अंग्रेजी राज को झकझोर कर रख दिया था। चटगांव छापे के बाद जलालाबाद हिल्स में कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश पुलिस और सैनिकों ने सम्मिलित हमला किया। इस भीषण संघर्ष में 12 क्रांतिकारी शहीद हुए और 80 अंग्रेजी पुलिसकर्मी भी ढेर हो गए। सूर्य सेन समेत बाकी क्रांतिकारी वहां से निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद क्रांतिकारी छोटी छोटी टोलियों में विभाजित होकर छुपकर रहने लगे। इस दौरान मास्टर सूर्य सेन ने अनेक संकट झेले। अंग्रेजी सरकार ने सूर्य सेन पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके लालच में एक धोखेबाज साथी नेत्र सेन की मुखबरी पर 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें फांसी की सजा हुई। फांसी दिए जाने से पहले इन्हें अंग्रेजों ने बेरहमी से प्रताड़ित किया था। 12 फरवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मास्टर सूर्य सेन ने फांसी के एक दिन पूर्व 11 जनवरी को अपने एक मित्र को पत्र लिखा था, जिसका अंश है, मृत्यु मेरा द्वार खटखटा रही है, मैं सिर्फ एक चीज छोड़कर जा रहा हूं, अपना स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और अपने कदम पीछे मत खींचना, उठो और कभी निराश मत होना, सफलता अवश्य मिलेगी।